नमस्कार, आप देख रहे हैं दहशत। मैं कुलदीप कुमार। दिल्ली के द्वारका के एक इलाके में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया। एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी और खुद भी फांसी लगाकर जान दे दी। पुलिस को शनिवार सुबह वारदात की सूचना मिली। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो शत बिशत सब देख कर दंग रह गई। व्यक्ति ने अपनी पत्नी को बड़ी बेरहमी से मारा था। उसने करीब 12 बार पत्नी के चाकू घोंपा। इस दौरान चाकू टूट गया और चाकू का एक हिस्सा मृतका के पेट में ही रह गया था। आरोपी व्यक्ति की पहचान सुदेश के रूप में हुई है और वह इंजीनियर था। उस पर 13 लाख का कर्ज भी था, जिस वजह से वो डिप्रेशन में था और उसका इलाज चल रहा था। जब पुलिस सुदेश के घर पहुंची तो एक कमरे में महिला खून से लथपथ मिली और दूसरे कमरे में व्यक्ति का शव पंखे से लटकता हुआ मिला। सुदेश और स्नेहा अपने दो बच्चों के साथ द्वारका के ढिंचाऊ कला इलाके में रहते थे। सुदेश अमेरिका में भी काम कर चुका था। इसके बाद वह नोएडा की एक निजी कंपनी में काम करने लगा, लेकिन बीते 6 महीने से सुदेश बेरोजगार था। वहीं मृतक की बेटी ने बताया कि शुक्रवार रात को पूरे परिवार ने एक साथ खाना खाया और फिर सब सोने चले गए। देर रात सुदेश ने स्नेहा को कमरे में बुलाया और फिर दोनों के बीच तीखी बहस हो गई। इसके बाद जब बेटी ने कमरा खटखटाया तो पिता ने उसे कमरे में जाकर सोने के लिए कह दिया। अगली सुबह जब बच्चे जागे तो देखा एक कमरे में उनकी माँ खून से लथपथ पड़ी है और दूसरा कमरा अंदर से बंद है। इसके बाद बच्चों ने रिश्तेदारों को फोन करके घर पर बुलाया तो सुदेश की खुदकुशी करने की भी जानकारी मिली। पुलिस ने दोनों शवों का पोस्टमार्टम करा दिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए NBC न्यूज हिंदी। NBC के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।